जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसको लेकर यमुना प्राधिकरण के अफसर लखनऊ पहुंचे हैं। दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर मंजूरी के लिए और अफसर लखनऊ पहुंच रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार यमुना प्राधिकरण को दूसरे चरण के जमीन के अधिग्रहण के लिए भी मंजूरी दे सकती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बीते 25 नवंबर 2021 को जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पहले चरण के जमीन अधिग्रहण के बाद अब दूसरे चरण में भी जमीन का अधिग्रहण कार्य शुरू होने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण में 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। आपको बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण हो रहा है इसको हम स्टेज 2 कहते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में 1334 हेक्टेयर, दूसरे चरण में 1365 हेक्टेयर, तीसरे चरण में 1318 हेक्टेयर और चौथे चरण में 735 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा, जिसमें एयरपोर्ट एरिया है। बाकी इसमें इंडस्ट्रीज आएंगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि यह क्षेत्र और भी बढ़ जाए। इसमें 3 रनवे बनेंगे। इस 1365 हेक्टेयर जमीन पर अधिग्रहण के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। इसके साथ ही 1365 हेक्टेयर जमीन के लिए बजट भी अनुमोदित करके जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा दिया है। वर्तमान में उसकी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की स्थिति चल रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम।